जो आज की सरकार अंगी गुंगी भैरी जो ये सुन नहीं रही है, गरीब की आवाज नहीं सुन रही है, राष्ट्रपति और बड़ा बनाने का काम करती है तो जनता उनसे नाराज होकर इसी वजह से जनता ने उनको आज बैसाखी सरकार को दे दी है। भारतीय जनता पार्टी ये जो पुतला फूकने का काम करे इनको शर्म आनी चाहिए। 56 इंची की जो छाती जोड़ी करके घूमने वाले अपना नाम लेते हैं ना, उनकी 56 इंची की छाती बची नहीं है, वो अपनी उनकी छाती में खुश हो गया है। गाजियाबाद की कलेक्ट्रेट पर भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे। इन मुद्दों को लेकर गाजियाबाद की कलेक्ट्रेट पर ये आज पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे इनकी है तो सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सैयद वली हसन है, मैं महानगर कांग्रेस अल्पसंख्यक में महानगर अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद के अंदर। आज पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप इसकी आवाज़ उठा रहे हो, हमारी आवाज़ आप जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हो, क्योंकि आज की जो गोदी मीडिया किसी की गोद में बैठ के काम कर रही है, जो हमारी जनता की आवाज़ जो हम उठा रहे हैं उसको कोई काम नहीं कर रही हूँ। तो आज का ज्ञापन का हमारा प्रारूप था श्री DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, विषय इस पर आया उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा मीरान हैदर व अन्य आरोपी जो हैं उनके बेल के संदर्भ में हमने ये ज्ञापन दिया है। माननीय शाहनवाज आलम जी जो अल्पसंख्यक का बार बार पर डे आवाज उठा रहे हैं, वो पूरे देश के अंदर एक अल्पसंख्यक समाज को लेके चल रहे हैं, पिछड़े वर्ग को लेके चल रहे हैं, वो गरीब तबके को लेके चल रहे हैं, जो आज की सरकार अंगी गुंगी भैरी जो ये सुन नहीं रही है, गरीब की आवाज़ नहीं सुन रही है, अल्पसंख्यक की आवाज़ नहीं सुन रही है, आज उसके माध्यम से माननीय शाहनवाज आलम जी के माध्यम से हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं DM साहब को। ज्ञापन दिया आपने, क्या आश्वासन आपको दिया, जो बातें आपने रखी क्या कुछ कार्रवाई की बात कही है? देखिए जी, आश्वासन तो मिलता है, आश्वासन पहले हमने ज्ञापन का स्वरूप लिया है, हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखते हैं। कांग्रेस के अंदर जन जन एक कांग्रेसी जो गांधीवादी वाली तरीके से अपनी मांग रखना जानता है और उसकी गांधीवादी तरीके से हम ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताना चाह रहे हैं, उनको बार बार उनके आदेशों को याद दिलाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से वो आदेश दे रहे हैं हम उनको याद दिलाने के लिए ज्ञापन उनको दिया गया आज कलेक्ट्रेट पे गाजियाबाद पर। लगातार जगह जगह गाजियाबाद में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ओबीसी मोर्चे के द्वारा राहुल गांधी के पुतले फूंके जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई देश के अंदर गरीबों की आवाज़ उठाता है, ये पहले से आया है, जो गरीबों की तबकों की पिछड़ों की अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाता है तो बहुत से लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ये जो पुतला फूकने का काम करे इनको शर्म आनी चाहिए, है ना। पूरा जन जन इस समय राहुल गांधी जी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ होने की वजह से इन्होंने दिखा दिया है, इनकी सरकार को बैसाखी पे ला दिया है और आने वाले समय में भी आप जल्दी देखोगे किस टाइम ये सरकार पत्नी चेंज हो जाए, कब गिर जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि पब्लिक ना मन बहुत त्रस्त हो चुका है, पब्लिक परेशान हो चुकी है, बस किस तरीके से सरकार बन गई है, थोड़ा सा परसेंटेज हो गया है, अदरवाइज आप परसेंटेज देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं है कांग्रेस का परसेंटेज, और चाहने वालों की संख्या राहुल गांधी जी की पर डे बढ़ती चली जा रही है, वर्चस्व उनका बढ़ता चला जा रहा है, देश में नहीं पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, और ये 56 इंची की जो छाती जोड़ी करके घूमने वाले अपना नाम लेते हैं ना, उनकी 56 इंची की छाती बची नहीं है, वो अपनी उनकी छाती में खुश हो गया है, उनकी छाती कमजोर हो गई है। कैसे कमजोर हो गई? देखिए, कमजोर तो वोट की बुनियाद से होती है, जनता के पास वोट का जो अधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है, जनता वोट से दिखा देती है कि जनता ही सर्वोपरि है। इस आजाद भारत के अंदर जब जनता को पता चल जाता है, पूर्ण बहुमत से अगर कोई भी सरकार चुनती है और सरकार अपनी मनमानी करती है, जो जनता के मुद्दों को लेकर वो देश में आती है और वो मुद्दों को काम नहीं करती, मुद्दों से हटके काम करती है, गरीबी हटाने के ऊपर काम नहीं करती, कुछ पूंजीपतियों को वो और पूंजीपति और बड़ा बनाने का काम करती है तो जनता उनसे नाराज होकर इसी वजह से जनता ने उनको आज बैसाखी सरकार को दे दी है, और ये देख रही है पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है किस तरीके से सरकार चल रही है, मनमानी सरकार खत्म हो चुकी है। क्या नाम है जी आपका? रियाज अहमद, महानगर सचिव गाजियाबाद। आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि गुलफिशा हैं, फातिमा हैदर हैं, इनके जमानत के जो जज लोगों ने जो फैसले दिए हैं तो उनको याद दिलाने के लिए कि क्या क्या फैसले उन्होंने दिए हैं, ये हमने DM साहब को प्रारूप दिया है। तो उसमें जो भी DM साहब ने आश्वासन दिया है कि हाँ ठीक है, हम आगे करते हैं इस पर कार्रवाई, मतलब जो आपकी बातें हैं उनको आगे पहुंचाने के लिए कहा गया? जी बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद फहीम है और मैं गाजियाबाद महानगर कांग्रेस में सचिव हूँ। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो हमारी न्यायपालिका है
उनको ये याद दिलाने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बहुत सारे बिंदु हमने रखे हैं, वो यहाँ पढ़ कर के सुनाना जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुल मिला के ये औचित्य ये था आज के ज्ञापन का कि जो न्यायपालिकाएं काम कर रही हैं वो सबके साथ समान रूप से काम करें, दोहरा चरित्र ना अपनाएं, इसके लिए जो ये आज का ज्ञापन ये दिया गया है। जैसे भी आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है, तो वो JNU के स्टूडेंट 4 साल से जेल में बंद क्यों हैं? क्या उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया था कि उन्हें जमानत नहीं दे सकती सरकार, जो कोर्ट उन्हें जमानत नहीं दे सकती? तो इसी सब को लेकर के आज का ज्ञापन था, मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या लगता है क्यों जमानत नहीं दी जा रही है? भाई ये तो साफ है कि दोहरा चरित्र है, अगर दोहरा चरित्र ना होता तो शायद इनको भी जमानत अब तक दे दी जा गई होती। क्या कदम रहेगा कांग्रेस का फिर? कांग्रेस का कदम यही रहेगा जो ऊपर से निर्देश आएगा, हमारे वली हसन भाई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये ज्ञापन था, और जैसा पार्टी के दिशा निर्देश होंगे उन पर हम अमल करेंगे। और तो साफ तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनके द्वारा न्यायालय को एक पत्र भेजा गया, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि उनको याद दिलाने के लिए इन्होंने कुछ बातें रखी हैं। अब ये देखने वाली बात है, जो इनका पत्र है वो गाजियाबाद DM को सौंप दिया गया, उसके माध्यम से आगे वो जाना है। सोनू खान, जर्नी टाइम्स, गाजियाबाद।